नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। इसकी समस्या ज्यादातर रिस्ट, हिप तथा स्पाइन में उत्पन्न होती है। हालांकि ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या ज्यादातर ओल्ड एज यानी बूढ़े पर्सन में देखी जाती है, लेकिन सही से खान पान ना हो पाने के कारण इसकी समस्या बच्चों में तथा एडल्ट में भी उत्पन्न हो सकती है। बेसिकली हमारी बोन कैल्शियम तथा फास्फेट से मिलकर बनी होती है, और जब हमारे बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बहुत कम हो जाती है, तब उस केस में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। उस केस में हमारी बोन्स में झुर्रियां पड़ने लगती हैं, यानी हमारी बोन्स पोरस होने लगती है, और हमें जो है फ्रैक्चर बहुत इजीली और आसानी तरीके से होने लगता है, क्योंकि उस केस में हमारी बोन्स पूरी तरीके से खोखली हो जाती हैं, पूरी तरीके से वीक हो जाती हैं। हालांकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के कुछ और कारण हो सकते हैं, जैसे सही से खान पान ना हो पाने के कारण, आंत में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सही से ना हो पाने के कारण, तथा बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करने से भी ये कंडीशन उत्पन्न हो सकती है, और सेक्स हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन की कमी से भी ये कंडीशन देखी जाती है। हालांकि ऐसे पेशेंट जिसमें विटामिन डी की कमी है, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होने के 70-80% चांसेस होते हैं, क्योंकि विटामिन डी एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, और यदि हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी है, तब उस केस में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सही से ना हो पाने के कारण ऑस्टियोपोरोसिस की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि हमारे बोन्स को बनाने और तोड़ने में दो प्रकार की कोशिकाओं की अहम भूमिका होती है। नंबर वन, ऑस्टियोप्लास्ट। यह सेल हमारी बोन की स्ट्रेंथ तथा मास यानी वेट के लिए रिक्वायर होती है। नंबर टू, ऑस्टियोक्लास्ट। यह सेल हमारे बोन के ब्रेकडाउन के लिए होती है, जो हमारे बोन में उपस्थित कैल्शियम को तोड़ के हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करवाती है, जिससे हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी ना हो पाए। और जब इसकी प्रोसेस बहुत तेज हो जाती है, यानी कैल्शियम की टूटने की प्रोसेस बहुत तेज हो जाती है, तब उस केस में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, और अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट हो तब आप नीचे कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं दूंगा, और साथ में आप ये भी कमेंट करिए कि अगला वीडियो आपको किस बीमारी पे चाहिए, अगला वीडियो आपको किस बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।